दोस्तों मैं फैज़ान मुराद, इस शख्स को तो आप जानते ही हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मोनू मानेसर को कौन नहीं जानता है। इसके ऊपर आरोप है कि इन्होंने नासिर और जिनेद को उसके कार में जिंदा जला दिया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने अब राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। अब इसके साथ क्या हो रहा है, आइए इसको दिखाता हूँ। अब वीडियो में साइड में देख सकते हैं कि दो दिन पुलिस के कस्टडी में है। कल ये पुलिस के सामने में बैठ करके उठक बैठक कर रहा था, लेकिन आज इसकी पैंट उतर गई है। आप देख सकते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है, ठीक उसी तरह से कहानी इसका भी है। आप ये भी कह सकते हैं कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। ये शख्स इल्लीगल हथियार लेकर के अपने गाड़ी में जिस तरह से घूम रहा था, जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा था, जिस तरह से अपने गाड़ी में इल्लीगल हथियार लेकर, तलवार लेकर, AK-47 जैसे बंदूक लेकर के ये घूमते थे और मुसलमानों को डराने की कोशिश करता था, और गोरक्षक के नाम पे जिस तरह से ये अपना ढोल पीटता था, जिस तरह से मुसलमानों को मारने काटने के काम करता था, जिस तरह से नासिर और जुनेद को इन्होंने जिंदा जलाया। दोस्तों सिर्फ नासिर और जुनेद ही ऐसा शख्स नहीं है जो मोनू मानेसर के ऊपर इस तरह का आरोप लगा है। कई ऐसे मुसलमान शख्स और भी हैं जिसके जान गई हैं इस गोरक्षक के नाम पर मोनू मानेसर के ऊपर इस तरह का और भी आरोप है। लेकिन जिस तरह से पुलिस के सामने में अब मुर्गा कल पूरे तरह से ये उठक बटक कर रहा था, आज देखिए इसी शख्स का पूरे तरह से पैंट उतर गई है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि हर इंसान का वक्त आता है, जो जितना उड़ता है, जितना ऊपर उड़ता है उसको ज़मीन पे भी आना पड़ता है। कल ये शख्स पूरे तरह से आज से कुछ दिन पहले पूरी तरह से गाड़ी में इल्लीगल हथियार लेके घूमता था और मुसलमानों को वार्निंग देता था, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलता था। लेकिन आज इसी गोरक्षक का देखिए क्या हाल है। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की भी इसमें शामिल है। जिस तरह से नूह में हिंसा हुई, इन दोनों का मास्टरमाइंड रहा है, दोनों ही मास्टरमाइंड रहा है। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर दोनों नूह हिंसा में मास्टरमाइंड रहा है। बिट्टू बजरंगी को तो अरेस्ट किया गया था, लेकिन कुछ दिन फिर उसको 15 दिन रख करके छोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों छोड़ दिया गया। लेकिन मोनू मानेसर को आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से पहले उठक बैठक करवाया, उसके बाद इसका पैंट अभी उतार दिया गया है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और नासिर और जुनेद जैसे लोगों का पूरी तरह से इंसाफ मिलनी चाहिए। नासिर और जुनेद ही नहीं, जितने भी लोगों का अब तक मॉब लिंचिंग हुआ है, इस शख्स ने करा है, ऐसे लोगों का पूरे तरह से इंसाफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा सरकार ने राजस्थान सरकार को सौंप दिया है कि अब इसके साथ जो करना है करो। लेकिन राजस्थान सरकार अब देख सकते हैं कि बेचारे के साथ क्या कर रहा है। कभी मुर्गा बना रहा है, कभी उठक बैठक करवा रहा है, तो कभी पैंट खोल दे रहा है। जो इंसान कल इल्लीगल हथियार लेके बड़े बड़े गाड़ी में घूमता था, बड़े बड़े गाड़ी लेके पूरा काफिला लेके घूमता था, कम से कम 5-6-7-8 गाड़ी लेके घूमता था और पूरा एकदम दबदबा लेके चलता था, पूरा रॉन्ग ये करता था, मुसलमानों के बारे में बोलता था उल्टा पुल्टी, और आज वही शख्स देख सकते हैं कि उसका पैंट उतर गया है। इसलिए बोलते हैं ना, हर किसी का वक्त आता है, क्योंकि देश का कानून जब अपने कानूनी कार्रवाई अगर सही से करने लग जाए तो फिर हर किसी का पैंट गीला होता हो जाएगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, मोनू मानेसर ही नहीं, बिट्टू बजरंगी जो है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन दोनों शख्स से ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो तुम्हारे पास इल्लीगल हथियार है ये कहाँ से आए, क्योंकि जो भी हथियार ये लोग यूज़ करते हैं, ऐसा हथियार हमारे देश के कानून के पास होता है, हमारे देश के जो बॉर्डर पर रहते हैं सैनिक के पास होता है। लेकिन जो सैनिक के पास हथियार होता है, वो हथियार इल्लीगल तरीके से इन लोगों के पास कैसे आया और ये सब हथियार लेके इन लोग रंगबाजी कैसे करता है, पूरे तरह से इन लोगों की पूछताछ होनी चाहिए और पूछताछ ये होनी चाहिए कि इल्लीगल हथियार आखिर तुम लोगों के पास आया कहां से। आप देख सकते हैं कि मोनू मानेसर का किस तरह से हाल हो गया है, लेकिन कुछ दिन बाद मैं ये भी कहूंगा कि बिट्टू बजरंगी का भी यही हाल होगा। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जिस तरह से ये आजकल उठक बैठक कर रहा है और इसके बारे में कपड़ा उतारा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा।